नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास है रेनो 5 प्रो 5G। ऊपर 5 लिखा हुआ कॉर्नर में नज़र आ रहा है और नीचे ब्लैक कलर में ओप्पो की ब्रांडिंग दी गई है। साथ में 5G का वाइट सा एक प्यारा सा स्टिकर भी दिया गया है। तो देखते हैं इस बॉक्स के अंदर में क्या कुछ मिलता है, क्या कुछ इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस हैं। साथ में भी साइड में देखते हैं तो ब्रांडिंग दी गई है रेनो 5 प्रो की, और बैक की तरफ देखते हैं कुछ स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है जो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। 8GB 128GB का ये वेरिएंट है एस्ट्रल ब्लू कलर के साथ। काफ़ी प्यारा फ़ोन हमें नज़र आने वाला है 5G के अंदर। तो इसकी लॉन्चिंग दोस्तों 18 जनवरी को होने वाली है। 18 जनवरी को ये फ़ोन ऑनलाइन हमें मिल जाएगा। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है उस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके ऑर्डर करवा सकते हैं, आपको 5 से 6 हज़ार रुपये की छूट मिल जाएगी। साथ में और भी काफ़ी कुछ इस बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है जो इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल इस बॉक्स को कर लेते हैं ओपन। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शेयर का बटन दबा दीजिए दोस्तों ताकि वीडियो और लोगों तक भी पहुँच सके। ये बॉक्स मैंने निकाल दिया है, नीचे बिल्कुल ब्लैक कलर का हमें एक बॉक्स और मिलता है। तो फिलहाल हम एनवेलप को निकालते हैं, और दोस्तों एनवेलप को जैसे हम खोलते हैं तो हमें क्या कुछ देखने को मिल जाता है। ये निकल चुका है एनवेलप के अंदर से सिम इजेक्टर टूल, और ये कुछ ओप्पो की तरफ से पेपर वर्क है, इसको रखते हैं साइड में। और ये बिल्कुल सॉफ्ट सा एक केस दिया गया है, कवर दिया गया है सिंपल भाषा में। अब इसको रखते हैं साइड में, और ये हमारा निकल के आता है रेनो 5 प्रो 5G। काफ़ी प्यारा डिज़ाइन है, साथ में रखते हैं एक बार बॉक्स के अंदर और क्या कुछ है चेक कर लेते हैं। ये निकल के आए हमारे सामने ईयरफोन, बिल्कुल टाइप सी पोर्ट की ईयरफोन है, क्योंकि फ़ोन के अंदर हमें ऑडियो जैक अलग से देखने को नहीं मिलेगा। ये टाइप सी पोर्ट USB केबल जो लगभग टाइप सी पोर्ट के ही फ़ोन अब आने लगे हैं। सबसे खास बात ये हमारे पास है सुपर वोको चार्जर 65 वोल्ट फास्ट चार्जिंग के साथ में, मतलब 30 मिनट में फ़ोन फुल चार्ज। हाँ दोस्तों, सिर्फ 30 मिनट में फ़ोन को फुल चार्ज करने के लिए 65 वोल्ट का सुपर चार्जर। अब बात करते हैं इस फ़ोन की, जो रेनो 5 प्रो हमारे हाथ में है, इसको निकालते हैं इस पन्ने के अंदर से और देखते हैं इसके प्यारे से लुक को। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी प्यारा डिज़ाइन हमारे सामने निकल के आ जाता है रेनो 5 प्रो 5G का। बिल्कुल बैक से देखेंगे तो बिंदास लुकिंग के साथ, कैमरा की क्वालिटी की बात करें या कैमरा सेटअप की बात करें तो काफ़ी अच्छा दिया गया है। ये देखिए आपको लुक लाइट मैंने दिखा दिया है, और फ्रंट में दिया गया है 32 मेगापिक्सल का पंच होल कैमरा, और दोस्तों बैक में दिया गया है 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 22 मेगापिक्सल का माइक्रो डेप्थ सेंसर कैमरा। साथ में वॉल्यूम अप डाउन और एक अनलॉक लॉक बटन दिया गया है। ऊपर की तरफ देखेंगे तो सेकेंडरी माइक दिया गया है, और एक ध्यान से देखेंगे डिज़ाइन बाय ओप्पो रेनो 5 प्रो का बिल्कुल लाइटली से ऊपर ग्रिल के ऊपर दिया गया है। दोस्तों काफ़ी अच्छे लुक लाइट के साथ इस फ़ोन को डिज़ाइन किया गया है। नीचे देखेंगे तो सिम ट्रे, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल इसमें दिया गया है। काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के साथ ओप्पो रेनो 5 प्रो बिल्ड किया गया है। फिलहाल मैं इस फ़ोन को ऑन कर लेता हूँ। देखिए फ़ोन ऑन हो रहा है, तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी पता लग सके। दोस्तों इसकी स्क्रीन की बात करें तो 6.55 इंचेस की फुल HD प्लस ऑयल्ड 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ हमें डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसका रेजोल्यूशन हम बात करें तो 1080x2400 पिक्सल तक अवेलेबल है। दोस्तों देखिए फ़ोन ऑन हो चुका है बिल्कुल प्रॉपरली। अब बात करते हैं हम इसकी सेटिंग्स में, इसके अबाउट के बारे में थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं। ये एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड है। चिपसेट की बात करें मीडिया टेक MT6889Z7 नैनोमीटर बेस्ड इसमें चिपसेट लगा हुआ है। CPU की बात करें दोस्तों ऑक्टा कोर 4x2.6 GHz
कि इसमें प्रोसेसर यूज किया गया है। जीपीयू दोस्तों माली G77MC9, इसमें जीपीयू भी यूज किया गया है। मेमोरी के अंदर दोस्तों हमें एसडी कार्ड स्लॉट हमें देखने को नहीं मिलेगा। इंटरनल मेमोरी हमें इसकी 128 GB और 8 GB रैम के साथ हमें मिलेगा। इसका दूसरा वेरिएंट दोस्तों 12 GB और 256 GB का भी मिलने वाला है। तो इसमें दो वेरिएंट हैं, 8 GB, 128 GB, 256 GB और 12 GB। चलिए मैं इस फिलहाल तो इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है उसको ओके कर रहा हूँ। टेस्ट करते हैं कि किस प्रकार से ये फिंगरप्रिंट सेंसर काम करेगा, कितना फास्ट नेटवर्क फिंगरप्रिंट सेंसर में काम करेगा। फटाफट से मैं इसको सेट कर देता हूँ। फिर मेरे को फेस लॉक है वो भी इसका सेट करेंगे, फेस लॉक भी टेस्ट करेंगे कि कितना जल्दी हमें रिस्पॉन्स करता है। ये देखिए फेस लॉक ओके हो चुका है, बिल्कुल रेडी है। अब हम करेंगे इसको टेस्ट। फ़ोन को करते हैं लॉक और लगाते हैं अपना फिंगरप्रिंट। ये देखो दोस्तों ज़रा सा टच करते ही फटाक से फ़ोन खुल जाता है। ये देखिए ज़रा से टच के साथ फ़ोन ऑन हो जाता है बिल्कुल। अब बात करते हैं फिंगरप्रिंट के बाद फेस लॉक की। ये देखिए फटाक से खुल गया, फेस लॉक भी काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। अब दोस्तों एक ख़ास बात है कि इसमें वीडियो की, जैसे दोस्तों हम किसी दूसरे फ़ोन के अंदर वीडियो बनाते हैं तो हम दोनों कैमराज को ऑन नहीं कर पाते हैं, बट इस फ़ोन में हमें ड्यूअल व्यू वीडियो देखने को मिल जाएगा, जिससे हम फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा दोनों को एक साथ यूज़ कर पाएंगे, वो भी अलग अलग तरीके से। देखिए राउंड में हम अपने फ्रंट कैमरा को यूज़ करना चाहते हैं, या रेक्टेंगल में, या फिर हाफ हाफ ऊपर नीचे करके आप चेंज भी कर सकते हैं फ्रंट कैमरा को बैक में ले जाने के लिए, या बैक कैमरा को फ्रंट में ले जाने के लिए, अलग अलग से आप इसको यूज कर सकते हैं। और दोस्तों मैंने कुछ पिक्स ली हैं फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा की, तो बिल्कुल भी पिक्सल नहीं फटते हैं, बिल्कुल बेस्ट कैमरा दिया गया है। पोर्ट्रेट मोड की जो फोटोएँ हैं इनको आप देख सकते हैं, और भी काफ़ी सारी फीचर्स हैं। इसके लिए मैं अलग से एक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनको अच्छे से देखें। अगर आप फ़ोन को लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है इस पर व्हाट्सअप करें। प्री ऑर्डर के साथ आपको 5 से 6 हज़ार रुपये की छूट मिल जाएगी। ये देखिए दोस्तों काफ़ी अच्छा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।